गाइज़ अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू कुरैशी फैमिली। और आज है रमज़ानों का आखिरी जुम्मा, अलविदा जुम्मा। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये अलविदा जुम्मे के कपड़े इन्होंने पहन लिए हैं, तैयार हो गई हैं। आयज़ा का सूट और ये अबू ज़र का तो शब बरात वाला ये कुर्ता पजामा नया ही रखा था ये, तो मैंने कहा चलो तुम ये पहन लो। सलाम करो। तो बस घर में सब फैला हुआ है क्योंकि मैं रात में यहाँ नहीं थी, मैं थी अम्मी के घर पर। क्योंकि 23वीं शब थी रात, तो वहीं पर पड़ा मैंने रात, जो भी इबादत की वहीं की। बस अभी इनके कपड़े चेंज कराने आई हूँ, फिर दोबारा से जा रही हूँ मैं वहीं पर अम्मी के घर पर, क्योंकि फिर आज अम्मी के घर पर ही हमारा इफ्तार, अम्मी ने बुलाया है। तो बस अलविदा जुम्मे के दिन भी अम्मी के यहाँ पर ही मैं जा रही हूँ। बस कपड़े वगैरह चेंज कराने आ गई थी बच्चों के, और थोड़ा बहुत ये घर फैला हुआ है इसे थोड़ा सा संगवा कर सफाई वगैरह करके फिर जाऊंगी मैं अम्मी के घर, और मिलते हैं अम्मी के घर जाकर। अल्लाह हाफिज़। जब तक के लिए मैं अम्मी के घर पहुंच चुकी हूं। जैसे कि ये लेटे हैं मामा भांजे दोनों, अबूज़र और बिलाल। अबूज़र सलाम, बिलाल सलाम करो, बदतमीज़ सलाम भी नहीं करते कहने से भी शर्मीले शायद ज़्यादा नहीं कुछ। और यहाँ जैसे कि फबी की अपना जो रूटीन रहता है सफाई वगैरह का, वो चल रहा है फबी का। हमारी ये बैठी हैं हमारी अम्मी जान, अलविदा मुबारक बोल दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अलविदा मुबारक, अलविदा जुम्मा मुबारक आप सबको, बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला खुशियों भरा लाया हो, अल्लाह सबके लिए खुशियाँ आई। आमीन आमीन आमीन, खुशियों भरी ईद आई हो, और अल्लाह फिलिस्तीन वालों के लिए भी अल्लाह पाक बहुत बहुत साथ दे, अल्लाह तो साथ दे, उनकी हिफाजत फरमाए। तो बस जैसे कि हमारा रूटीन जो है वो शुरू हो गया है, क्योंकि इफ्तार में आप लोगों को पता ही है थोड़ा जल्दी ही काम में लगना पड़ता है अपना। तो यहाँ पर ये है गोश्त हमारा, तो ये बन रहा है पुलाव, यखनी पुलाव जो बनता है बिरयानी। तो यहाँ पर मैं तैयार कर रही हूँ यखनी, रेसिपी तो मैं नहीं दूँगी, रेसिपी पहले से ही है चैनल पर अपलोड। और ये आ चुका है इफ्तारी का सामान। तो बस चलिए लगते हैं अपनी तैयारी में, और दिखाते हैं आप लोगों को जो भी हम करते हैं अपना रूटीन शेयर करेंगे आप लोगों के साथ इंशाल्लाह। तो गाइस लग चुके हैं हम अपने काम में, यखनी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो मैं ये कर रही हूँ पानी से अलग, तो चल रही हैं तैयारियाँ। जैसे कि यखनी मैं कुकर से निकाल रही हूँ, यहाँ पर भीग चुके हैं चावल, अभी भिगोए नहीं है मतलब धोए हैं सिर्फ। और यहाँ पर हो रही है ये है बिरयानी का सामान मसाला, पकौड़ियों की तैयारी हो रही है, चने बॉईल हो रहे हैं, यहाँ पर उबल रहे हैं चने। तो मौला करम हो करम,
कि सुनता है तू ही सदा। गाइज रोजा इफ्तार के हमारा हो गया था, मगरिब की नमाज वगैरह पढ़ के हम लेट गए थोड़ी देर, मतलब मैं लेट गई, फबी तो नहीं लेटी। फबी ने बनाई है चाय, हम लोग पी रहे हैं चाय, क्योंकि आज ऐसा हुआ था कि सेरी में भी बहुत जल्दी जल्दी ऐसा हुआ कि हमें टाइम का अंदाज़ा ही नहीं रहा। शबे कदर की रात थी तो हम वो पढ़ रहे थे, टाइम का पता ही नहीं चला, चाय बनाई और सेरी का टाइम ख़त्म हो गया बहुत जल्दी जल्दी, बस ऐसे उल्टी सीधी चाय पी। तो अब रोजे के बाद हम चाय पी रहे हैं, सर बहुत दर्द कर रहा है, तो बस मैंने सोचा आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ। और यहाँ पर हो रहा है पूरे रूम में अंधेरा, हम लोग लेटे हैं सुकून से, ये लेटी हैं अम्मी। तो बस मिलते हैं आप लोगों से चाय पीने के बाद इंशाल्लाह। तो गाइस यहाँ पर आ चुके थे बड़े भाई भी खाना खाने के लिए, और ये लोग खा रहे हैं खाना, अरशान और भाई। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ वज़ू, सामने खड़ी हुई, ईशा की नमाज़ की तैयारी है। और यहाँ पर अम्मी पढ़ रही हैं ईशा की नमाज माशाल्लाह। तो हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम, मैं दोबारा से सलाम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट डे हो चुका है और कल के ब्लॉग का एंड नहीं हुआ था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से कल था अलविदा जुम्मा, आज है हफ्ते का दिन, कौन सा रोज़ा है, 26वां रोज़ा है आज। और बस यहाँ पर मैं अम्मी के घर पर ही हूँ और अम्मी के घर आ गई थी इकरा भी, ये रही इकरा बाजी जो कि बर्तन धो रही हैं, यहाँ पर धुल रहे हैं बर्तन। इफ्तार का टाइम हो रहा है, अभी याद आया कि कल के ब्लॉग का तो एंड ही नहीं हुआ था, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ क्रिस्पी फिंगर्स और पकड़ हो रही है बिरयानी गरम। और आज हमने कुछ बनाया नहीं है, कल बिरयानी हमने भी बनाई और मामा के घर से भी आ गई हमारे और इकरा के घर से भी आ गई थी बिरयानी, तो इस वजह से बहुत ज्यादा बिरयानी बिरयानी हो गई। आज हम इफ्तार में सिर्फ बिरयानी ही रखेंगे अपने, कुछ नहीं बनाया है हमने। ये है अम्मी के घर की कच्चे चावलों की मटर पुलाव बिरयानी, यखनी पुलाव, आप बताइए। और हो रहा है रोजे का टाइम, 10-15 मिनट बचे हैं और अम्मी पढ़ रही हैं यहाँ पर हजारा। और अम्मी की एसी देखिए स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि हमारी अम्मी की एसी सबसे पहले चल जाती है, ये देखिएगा एसी चल रही है हमारी अम्मी के घर पर। और ये सो रही है मेरी जिक्रा परी, एसी है ना अम्मी के घर एसी चल रही है, तो ये मैंने पूरा इसको सूट पहना दिया है ताकि इसकी तबीयत खराब नहीं हो। तू ही रखता है सबका भरम, मेरी मौला करम हो करम, मेरी मौला करम हो करम, बेकसों को सहारा कि अम्मी के यहाँ से रोज़ा अख्तियार करके और चाय वगैरह पीकर अभी हम आए हैं 1 बजे अपने घर पर। अच्छा अरशद भाई कह रहे हैं रुकिए ज़रा टोपी ओढ़ लें, हम मुसलमान बन जाएं उसके बाद ब्लॉग बनाएं। तो फिर अरशद आ गए थे मेरे ही घर और इकरा भी, तो हम लोग बस सेरी कर रहे हैं इस टाइम, आओ भाई, सेरी हो रही है हमारी और आज है 27वीं शब माशाल्लाह, दुआओं में सब याद रखिएगा इंशाल्लाह, पढ़ेंगे सब। तो हम लोगों को जागना है, अरशद आए हुए हैं, तो मैंने कहा चलो व्लॉग का एंड भी नहीं हुआ था, व्लॉग का एंड कर देते हैं। आज है नहारी सेरी में, तो नहारी खाई जा रही है और बस इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग का एंड। दुआओं में ज़रूर ही याद रखिएगा सब लोग, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।